मेरे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा कि कौन सी वाली वीडियो अच्छी लगी। गांव के पास बने एक जंगल में दो राक्षस रहा करते थे। उन्हें जब भूख लगती गांव वालों का शिकार करते और उन्हें मार पीट कर खा लेते। जिसके कारण गांव के लकड़हारे उनसे बहुत डरते थे। एक बार अनजाने में उन्होंने इंसानी वेश में नागराज कुमार को पकड़ लिया और उनका जादुई दीपक उनसे छीन लिया। नागराज कुमार, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। नागलोक के जादुई दीपक के कारण ही यहाँ उजाला रहता था। अगर दीपक नहीं मिला तो हमें अंधेरे में रहना होगा। सैनिको, पिताजी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। मैं उन राक्षसों को ढूंढकर दीपक जरूर ले आऊंगा। लेकिन नागलोक में अंधकार हो जाने के कारण नागराज कुमार का सर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लकड़हारे बाबूलाल के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगा, राम जी की कसम, मरना तो निश्चित है। या तो भूख से मरे या फिर जंगल जाकर मरे। जंगल जाकर मरूंगा तो कम से कम मन में यह तो रहेगा कि हमने परिवार के लिए मेहनत करी, वरना मरने के बाद भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबूलाल की बीवी ने उसे घर में पड़े चोकर की दो रोटियां और चटनी दे दी। एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में खाने पीने की पोटली लेकर बाबूलाल पेड़ काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो जंगल पहुंचा तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। वो सोचने लगा, राम जी की कसम, कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और दूर दूर तक पंछी भी दिखाई नहीं देता है। इन राक्षसों के डर से चिड़ियों ने भी जंगल में आना छोड़ दिया है। आगे जाऊं या यहीं से लौट जाऊं? डर के मारे तो हमारी चुटिया खड़ी हो रही है, राम जी की कसम। बेचारे बाबूलाल के सामने बार बार उसके परिवार का भूखा चेहरा आ जाता। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। उसे सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई पड़ा। राम जी की कसम, बीवी ने जो रोटी बनाई है खा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भूखे ही मर जाए। फिर आगे बढ़ेंगे और पेड़ काटेंगे, देखें हमारी किस्मत में क्या लिखा है राम ने। बाबूलाल ने अपनी पोटली खोली। पोटली खोलते ही रोटी, चटनी और प्याज की महक चारों तरफ फैलने लगी। कुछ ही दूरी पर दोनों राक्षस भी पेड़ पर बैठे हुए थे। काफी दिनों से कुछ ना खाने के कारण उन्हें भी बहुत भूख लगी थी। भैया, गलती से हमने नागलोक का दीपक छीन लिया है। नागों के डर से यहाँ छुप कर बैठे हैं, लेकिन इस सुगंध ने तो मेरी भूख को और भड़का दिया है। अरे भैया, लगता है कोई मानव खाना खा रहा है। मुझे तो मानव के मांस की भी सुगंध आ रही है। चल चलते हैं और देख कर आते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो जंगल में हमारा खाना बनने आया है। वह देखो भैया, वह मानव जाति का जानवर पेड़ के नीचे कुछ खा रहा है। कौन हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पर बैठकर क्या खा रहे हो? आज तो तू गया बाबूलाल। अजी, आपने भी क्या पूछ लिया, मैं गरीब क्या खाऊंगा? सूखी रोटी और चटनी, यही तो हमारी किस्मत है। राक्षसों ने मानव गोश्त के सिवा कभी कुछ नहीं खाया था। ये नई चीजों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने बाबूलाल से कहा, बाबूलाल भाई, क्या तुम अपनी रोटी हमें दोगे? राम जी की कसम, भगवान झूठ ना बुलाए, हाथी के जैसा तो शरीर है आपका, भलाई छोटी छोटी दो रोटियों से आपका क्या होगा? अरे भैया, अगर यह रोटी तुम हमें दे दोगे तो हम तुम्हारी जान भी बख्श देंगे और तुम आराम से लकड़ी काट कर अपने गांव वापस चले जाना। हे भगवान, क्या मुंह दिखाऊंगा गांव में जाकर, वैसे भी मेरे घर में तो बिल्कुल अंधेरा होगा और भूखे मर जाएंगे सब लोग, तो फिर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा। अरे वाह, क्यों ना नागलोक का दीपक हम इस मानव को दे दे।
अगर दीपक इसके पास रहेगा तो खतरा भी इसी को होगा और हमारी मुसीबत टल जाएगी। बहुत बढ़िया छोटे, तू कमाल कर दिया। चल ला दीपक किसी को दे देते हैं और इसके बदले में इसका खाना ले लेते हैं। इस मूर्ख को क्या पता कि यह अपनी मौत ले जा रहा है। तुम्हारे घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। मैं तुम्हें यह जादू का दीपक भी दे दूंगा। यह तुम्हारे घर में कभी अंधेरा नहीं होने देगा। बाबूलाल ने मन ही मन सोचा, इन्हें मना करने का मतलब है मौत। राम जी की कसम, अपनी कटी हुई लकड़ियां और जादुई दीपक ही लेकर घर चलता हूँ, इसी में खैर है। दीपक और लकड़ियां उठाकर वो घर पहुंचा। क्यों जी आ गए तुम? सीता मैया की जय, बड़ी भूख लगी है। भगवान झूठ ना बुलाए, लड़कियां, अरे मेरा मतलब है लकड़ियां तो मिल गई हैं, लेकिन सुबह बिकेंगी। अभी तो ये दीपक ले जा, इसी से कलेजा ठंडा कर और हो सके तो मुझे कुछ खिला दे। अरे दैया, अरे दैया, तुम्हें तो दो रोटी और चटनी दी थी, सारी सपा चट कर दी। जय हो सीता मैया की, यहाँ मैं भूखी तुम्हारी राह देख रही हूँ और तुम खाना मांग रहे हो। अरे बावली, तुझे क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ, तुझे विश्वास नहीं होगा। जा अच्छा जा, अपने अंधेरे घर में कम से कम दीपक तो जला दे। निर्मला ने बाबूलाल के हाथ से दीपक लिया और जला दिया। दीपक जलाते ही पूरे घर में उजाला फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर में सूरज निकल आया हो। यहाँ तक कि खिड़की से बाहर निकलने वाले उजाले से गांव भी रोशनी से नहा रहा था। अरे भाई बाबूलाल, तेरे घर में इतनी रोशनी कहाँ से निकल रही है? जैसे लग रहा है पूरे गांव में सुबह हो गई। अरे बावली, जल्दी से खिड़की बंद कर। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता, मैं बाहर जाकर मुखिया जी से बात करके आता हूँ। बाबूलाल बाहर जाता है और राक्षसों के डर से किसी से कुछ भी नहीं कहता। भगवान झूठ ना बुलवाए मुखिया जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम गरीबों के यहाँ भला बहुत दिनों के बाद दिया जलाया है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा मेरे घर में रोशनी है, वरना मुझे गरीब के यहाँ दिया जलता ही कहाँ है। बाबूलाल रोज शाम को अपना दिया जला लेता। धीरे धीरे जिस घर में भी कोई दावत होती या रोशनी की जरूरत होती, लोग बाबूलाल का दिया ले जाते और उसे उसके बदले में पैसे दे देते। पैसे मिलने से बाबूलाल और निर्मला का पेट भी भरने लगा। अजी सीता मैया की जय हो, मैं तो समझती थी तुम बड़े बुड़बक हो, लेकिन तुम्हारे इस दीपक ने तो हमारे घर में भी रोशनी कर दी और हमारे पेट में भी। भगवान झूठ ना बुलवाए, पगली कह तो तू सही रही है। लेकिन एक दिन शाम को जब बाबूलाल और निर्मला ने दीपक जलाया तो आकाश में परियां उड़ रही थीं। उनकी नजर धरती पर गई। उन्हें लगा जैसे धरती पर कोई तारा उतर आया हो। अरे लाली, सतरंगी, नारंगी, जरा धरती की तरफ देख, आसमान का तारा जमीन पर कैसे चमक रहा है, आज इसका राज पता करके आते हैं। सभी परियां धरती पर पहुंची और ये देखकर हैरान रह गईं कि वो दीपक तो नागलोक का दीपक है। हे भगवान, अगर नागलोक के नागों को पता चल गया कि ये दीपक यहाँ है तो इस मानव की तो खैर नहीं। मुझे लगता है हमें जल्दी से बता देना चाहिए। परियां जोर जोर से बाबूलाल का दरवाजा खटखटाती हैं। आप लोग कौन है? हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमसे क्या चाहती हैं? हम परियां हैं, तुम्हें सावधान करने आई हैं। तुम्हें ये दीपक कहाँ से मिला? ये पृथ्वी लोक का दीपक नहीं है, ये नाग लोक का दीपक है। जल्दी से जल्दी इस दीपक को जहाँ से लाए हो वहीं रख दो, वरना तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। भगवान झूठ ना बुलवाए, ये आप क्या कह रही हैं? परी रानी, ये दीपक तो मुझे जंगल में राक्षसों ने दिया है, यह तो मेरा उपहार है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। सीता मैया की जय हो, इस दीपक की वजह से तो मेरे घर में खाना बनता है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। तुम बड़े भोले हो मानव, राक्षसों ने नागराज को बंदी बनाकर इस दीपक को चुरा लिया था। ये दीपक नागलोक का सूरज है, इस समय पूरे नागलोक में अंधेरा है और सभी नाग इस दीपक को ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि ये दीपक तुमने चुराया है तो वो सब तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और ये गांव खत्म हो जाएगा।
यह आप क्या कह रही हैं? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, आप ही बताइए। मैं उन्हें या दीपक कैसे वापस करूं? मेरे अंदर तो ना ताकत है, ना हिम्मत है, और ना ही कोई जादुई शक्ति। तुम चुपचाप ये दीपक ले जाकर गांव के बाहर बनी सांपों की बांबी के पास रख दो, वो इसे खुद ही ले लेंगे। लेकिन अब इस दीपक में तुम्हारी गंध आ गई है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें सजा जरूर देंगे। अरे सीता मैया की जय हो, परी रानी मेरे पति को बचाने का कोई उपाय बता दीजिए। ये लो, ये जादुई मोती है, इसे मुंह में रखने से तुम गायब हो जाओगे। तुम अपनी बात नागराज को कैसे समझाओगे ये मैं नहीं जानती, पर मैं तुम्हारी इससे ज्यादा कोई भी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें खुद ही अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अरे ये क्या हो गया, घोर कलयुग है। मैं तो राक्षसों को खाना देकर आया और उन्होंने मुझे यह मृत्यु को बुलाने वाला दीपक दे दिया। सुनिए जी, घबराइए नहीं, हमें हिम्मत से रहना पड़ेगा। आपको पता है ना, नाग पंचमी आने वाली है। चलिए हम गांव का सारा दूध खरीद लेते हैं। बाबूलाल और निर्मला ने दीपक को गांव के बाहर नाग के बिल के पास रख दिया। और गांव का सारा दूध खरीद कर घर के अंदर छुप गए। कुछ ही देर में दीपक नाग लोग के सांपों को मिल गया। हमारे दीपक को जरूर किसी मनुष्य ने छुआ है, उसके अंदर से मनुष्य की गंध आ रही है। जिसने हमारे दीपक को चुरा कर नाग लोक में अंधेरा करने की कोशिश करी है, उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उसे इस घनघोर अपराध की सजा जरूर मिलेगी। सभी नाग बाबूलाल की खुशबू को सूंघते हुए उसके घर की तरफ चल पड़े। दूर से ही सांपों की फुफकार की आवाज आने लगी। सभी गांव वालों, आप सभी एक एक कटोरा दूध मेरे घर के चारों तरफ रख दीजिए, और सभी अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर छुप जाएं। जब तक मैं ना कहूं कोई बाहर नहीं आए। गांव पर एक भयानक संकट आया है, लेकिन मैं आप सबको इस संकट से बचा लूंगा। सभी गांव वाले बाबूलाल के घर के चारों तरफ दूध ही दूध रख देते हैं। निर्मला पूजा की सामग्री लेकर बाहर बैठ जाती है। जैसे ही सांप घर की तरफ आते हैं, वो कुमकुम रोली चंदन से उनका टीका करने लगती है और दूध का प्रसाद देती है। हम जानते हैं तुम हमारे अपराधी की पत्नी हो और उसे बचाना चाहती हो। देखो बेटी, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, बस तुम हमारे अपराधी को हमारे हवाले कर दो। निर्मला घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। इंसानों की पत्नियां इतनी आसानी से अपने पति को हमारे हवाले नहीं कर सकती। सैनिकों, आप सभी अपने फन से इस दरवाजे को तोड़ दीजिए। नागराज के हुकुम से सभी नाग अपने फनों को बाबूलाल के दरवाजे पर मारने लगते हैं और उनके विष से बाबूलाल का दरवाजा नीला पड़ जाता है। तभी बाबूलाल मुंह में परी का दिया हुआ मोती रखकर अदृश्य हो जाता है और बाहर निकलता है। नागराज आपकी जय हो, आप अपनी पूरी सेवा के साथ हमारे घर में आए हैं। मैं तो धन्य हो गया कि मुझ जैसे साधारण इंसान को आपके दर्शन हुए। मानो तुमने हमारे दीपक को छूकर बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। महाराज, मैं एक गरीब और कमजोर लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काट कर पेट पालता हूँ। भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपका दीपक चुरा सकूँ। मैं तो लकड़ियाँ काटने जंगल में गया था, दो राक्षसों के पास मैंने यह दीपक रखा हुआ देखा। ये सच कह रहा है महाराज, दो राक्षसों से ही इसने दीपक छीना था। अगर यह सच है तो भला तुम इतने कमजोर इंसान राक्षसों से दीपक कैसे ले आए? महाराज, जैसे ही मुझे पता चला यह दीपक नागलोक का है, मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और दीपक लेकर घर आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि आप दीपक को ढूंढते हुए जरूर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो हमारे सामने आकर बात क्यों नहीं करते? महाराज, पहले आप दूध ग्रहण कीजिए, मैं आपके सामने ही हूँ। परिया भी मेरी सच्चाई जानती थी, उन्होंने मुझे जादुई मोती दिया ताकि आपके सामने आने का साहस जुटा सकूं।
बाबूलाल ने अपने मुंह से परी का दिया हुआ जादुई मोती बाहर निकाल दिया और नागराज के सामने नजर आने लगा। तुम तो सचमुच बड़े ही निर्बल दिखाई देते हो, फिर भी तुमने राक्षसों से युद्ध करके हमारा दीपक वापस ले आए। हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज के बाद हमारे गांव के नाग इस गांव की रक्षा करेंगे। अपनी चतुराई से पूरे गांव की रक्षा की है और आज से नाग लोग भी हमारा दोस्त बन गया है, इसलिए हम बाबूलाल को इस गांव का मुखिया बनाते हैं। इस तरह बाबूलाल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पूरे गांव की रक्षा की और बदले में नागराज से हीरे मोती जवाहरात का उपहार भी पाया और गांव का मुखिया भी बन गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं।